सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज हम करने वाले हैं टोयोटा हाई क्रॉस GX का रिव्यू करेंगे, ऑप्टिकल 2024। भाई ये ऐसा वेरिएंट है मतलब जो कि आपको जो टॉप मॉडल में फीचर्स मिलते हैं वो इसमें इस वेरिएंट में मिलेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो भाई पहले इसकी चाबी दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए दो चाबी है इसकी, इस तरह की। आप ये देखो, अगर टॉप मॉडल लोगे तो आप इसमें आपको दो पीछे डिक्की का भी बटन मिलेगा। तो भाई देखो इसको करते हैं अनलॉक। ये देखो ऑटो फोल्डिंग मिरर्स मिल जाएंगे इसमें, 360 कैमरा मिलेगा, बहुत कुछ फीचर्स है इसमें जो टॉप मॉडल्स में मिलते हैं वो इसमें इस वेरिएंट में दिख रहे। तो भाई वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो भाई ये है पेट्रोल वेरिएंट, इसमें मिलता है 2000 सीसी का इंजन मिलेगा आपको, और जो कि जनरेट करता है 179 BHP पावर और 209 Nm टॉर्क जनरेट करता है भाई इसमें। ये फ्रंट व्हील ड्राइव है भाई, ये है ये ऑटोमेटिक का है, ऑटोमेटिक वेरिएंट है इसमें, 360 कैमरा, बहुत कुछ मिले। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो भाई पहले मैं आपको इसकी एक बार वॉक अराउंड करके कार की लुक दिखा देता हूँ। ये ऑटोमेटिक अनलॉक लॉक हो जाएगा, जैसे चाबी आपकी पास रहेगी तो फ्रंट लुक आप देख ही सकते हो। ये आपको कुछ ब्लैक टाइप दिख रहा होगा, इसका कलर कुछ ब्लैक टाइप दिख रहा होगा, पर ब्लैक नहीं भाई, ये कुछ ऐसा ग्रीन है। इसमें आपको 8 डिफरेंट टाइप्स कलर मिलेंगे भाई हाई क्रॉस में। ये टॉप मॉडल से बेटर है, अगर आप टॉप मॉडल नहीं लोगे तो भी भाई देखने वाला यही समझेगा एक तो टॉप मॉडल जैसा ही दिखेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी फीचर्स ऐसे हैं जो टॉप मॉडल में देते हैं। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। तो भाई फ्रंट लुक आप देख ही सकते हो, इसमें फ्रंट लुक आप देखो एकदम कोई पहचान ही नहीं सकता कि भाई टॉप है या मतलब बेस है। तो आप ये ग्रिल देखो भाई, ये ग्रिल तो सेम ऐसे ही मिलेगी आपको, जो कि इसमें सेम फिनिश भी ऐसी दी गई, पियानो फिनिश ये देगी, बहुत मस्त फिनिश है इसकी। ये मतलब ब्लैक में नहीं है, कुछ ग्रे टाइप ऐसी है। जो इसका लोगो है ये नॉर्मल है, अगर टॉप मॉडल में लोगे तो इसका लोगो एकदम कवर हो जाता है भाई। ये देखो लोगो इसका बहुत मस्त है, और ये लाइट्स आप देख सकते हो, इसकी LED लाइट्स मिलेगी, यहाँ पे इंडिकेटर्स मिलेंगे, और आपको सामने कितने दो पार्किंग सेंसर है भाई इसमें, आप देख सकते हो एक और दो, उस तरफ दो पार्किंग सेंसर, नीचे फॉग लैंप्स मिलेंगे, LED फॉग लैंप्स मिलेंगे भाई आपको नीचे भी इसमें, ये देखिए। और इस तरह की इसकी कुछ ग्रिल है, ये सही है आपको, ये देख सकते हो, ये देखिए AC का, और इसका इंटरकूलर आप देख सकते हो, ये देखिए बहुत मतलब हवा के लिए बहुत अच्छा है, जैसे गाड़ी हीटिंग नहीं होगी। और ये देखिए आपको सामने इस तरफ आपको 360 कैमरा मिलता है, ये देख रहे हो आप, ये देखिए बहुत अच्छी लुक है इसकी। और सॉरी इसमें यार चार पार्किंग जैसे मैंने दो बोल दिया भाई, गलती हो गई, ये देख सकते हो आप 1, 2, 3, 4, और ये आपको कार टोइंग का मिलता है इस तरफ, चार पार्किंग जैसे इसमें, और आप इसका ग्राउंड क्लियरेंस देख ही सकते हो, ये देखिए। और इसमें क्या है बोलते हो, ऑटो फोल्डिंग मिरर्स मिलेंगे, ये सही है आपको, जैसे आप सामने जाते हो, ये देखिए ऑटो फोल्डिंग मिरर से, जो कि टॉप मॉडल में थे, टॉप मॉडल में नहीं भाई इसमें दिया गया। इसमें देखोगे आपको 360 कैमरा, ये देखिए, और यहाँ पे भी देखो लाइट मिलेगा, ये भी बहुत अच्छा, मतलब काफ़ी कुछ फीचर्स ऐसे हैं। और इसके 16 इंचेस का ये देख सकते हो आप, ब्रिजस्टोन के टायर दिए गए हैं, कंपनी बहुत अच्छा है इसमें, ये देखो इसमें टायर से कुछ 205/65 R16 के टायर है, अलॉय भी बहुत अच्छे, जो कि टॉप मॉडल की तरह मिलते हैं भाई। टॉप मॉडल में कुछ डिफरेंट रहते हैं, इस तरह का अलॉय नहीं है, पर बेटर है, ये देख सकते हो आप, ये देखिए ऑटोमेटिक लॉक हो गया है, ये बहुत मस्त है इसमें। ये 7-सीटर वेरिएंट है, ये देखो, और डोर्स आप देखोगे नॉर्मल है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ये देखिए इसमें फुटरेस्ट नहीं है, ऊपर आपको शार्क एंटीना मिलेगा, पीछे की लाइट देख सकते हो बहुत ही मस्त है इसकी, ये देखिए पीछे की लाइट भाई LED लाइट है ये पीछे की, ये देखो ऊपर आपको सेम शार्क एंटीना मिलेगा, टेल लाइट मिलेगी और वाइपर्स मिलेगा, सेम आपको पीछे भी चार पार्किंग सेंसर से, 1, 2, 3, 4 पार्किंग सेंसर से, और लाइट रिफ्लेक्टिंग दिया गया है। अगर आप आफ्टर मार्केट भी इसमें क्या कर सकते हो, लाइट फिटिंग करा सकते हो, जो कि ऐसे लेजेंडर में आपको मिलता है, आपको पता होगा, इस तरह इसमें भी आप लाइट फिटिंग करा सकते हो आफ्टर मार्केट। तो ये देखो लुक ठीक है इसकी, ये देखिए इसकी लाइट बहुत अच्छी है, जैसे आपको पता होगा फॉर्चूनर में भी ऐसी लाइट आती है, मैं ये नहीं बोलूँगी AC लाइट है, पर AC लाइट आती है, इसकी जो LED लाइट है बहुत मस्त दिखती है। आप देखो कभी गौर से देखो भाई, फॉर्चूनर की लाइट भी ऐसी रहती है, कुछ इस तरह की लंबी रहती है, ठीक है। और 360 कैमरा, ये देखिए पीछे कैमरा मिलेगा इसका, ये जो लोगो है टॉप मॉडल में लोगे तो आप, लोगो क्या होता है जैसे ऊपर से कवर होता है तो डस्ट उसके अंदर जाती नहीं, ये देखिए अब इसके अंदर क्या डस्ट चल जाती है, ये देख सकते हो आप, ये देखिए इसके अंदर क्या डस्ट चल जाती है, टॉप मॉडल है नहीं, टॉप मॉडल में रहता है तो क्या है, ये लोगो पूरा कवर हो जाता है, ऊपर से कुछ रहता नहीं है। और इस तरफ आप देखोगे इनोवा हाई क्रॉस की बैचिंग दी गई है, और चार पार्किंग सेंसर, 1, 2, 3, 4 पार्किंग सेंसर, कार टोइंग का दिया गया है, ये देखिए पीछे से स्टेपनीस का नीचे है, ये देखिए सस्पेंशन आपको दिख रहा होगा सब कुछ, ये देखो
सस्पेंशन भाई बहुत ही अच्छा है इसका। ये देखिए एग्जॉस्ट पाइप, ये देखिए भाई, स्टेप नहीं दिखा रहा हूँ मैं, नीचे देखिए आपको दिख रहा होगा कितना मस्त, एकदम ब्रांड न्यू भाई, बहुत मस्त है। ये ऊपर टेल लाइट है इसकी, ये देखिए फ्यूल टैंक इसका 52 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। इसमें ज़रूर इन्हों क्या था, फुटरेज ज़रूर देना चाहिए था इसको, इस जो कि फुटरेज मिसिंग है इसमें, आप देख ही सकते हो। और इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे भाई इसमें देखने के लिए, तो चलिए मैं आपको। और इसमें सनरूफ मिलेगा नहीं, जो कि टॉप मॉडल है नहीं, तो सनरूफ क्यों देगा इसमें। और चलिए तो मैं आपको आपको इसका अंदर का इंटीरियर देखते हैं, अब अभी इसको अनलॉक करते हैं। तो भाई ये देखिए साइड डोर से स्टार्ट करते हैं अभी, आप डोर्स आप देख ही सकते हो, कुछ इस तरह की डोर है। आपको ये लेदर टाइप दिख रहा होगा पर लेदर नहीं है, प्लास्टिक है। ये देखिए प्लास्टिक, फुल प्लास्टिक है ये पूरा, यहाँ पे ज़रूर लेदर यूज़ किया है। तो ये लेदर से क्या आपको ऐसे लगेगा जैसे ये भी लेदर है, तो ठीक है आपको फिलहाल। तो इस तरफ आप एक बॉटल रख सकते हो, ये स्पीकर दिए गए, ये देख रहे हो आप, ये सॉरी पावर विंडोज़ के कंट्रोल, साइड मिरर्स के दिए गए हैं, ये देखिए। और चलिए अंदर बैठते हैं। और इस तरफ आपको कुछ बैचिंग है नहीं, जो टॉप मॉडल में देखोगे आप उसको इस तरफ बैचिंग मिलेगी। और डोर्स में यहाँ पे लाइट्स मिलेगी, जो कि इनोवा का लोगो आता है वो भी इसमें नहीं है, जो कि टॉप मॉडल है नहीं। तो चलिए अंदर आप देखते हैं भाई, 7 सीटर का है ये, ठीक है। और आप देख सकते हो मतलब बहुत ही अच्छा है इसका इंटीरियर, आप देखो बहुत मस्त है। इसमें नॉर्मल 6 इंचेस की LED स्क्रीन है, आप टॉप मॉडल लोगे तो आपको JBL के स्पीकर्स और LED स्क्रीन मिलेगी, बहुत कुछ। ये देखिए ऊपर आपको इस तरह की लाइट है, इस तरह का कुछ इसका डैशबोर्ड है, बहुत डैशबोर्ड ही भाई अच्छा है इसमें। आप देख सकते हो आपको पूरा बोनेट दिखेगा इसमें से, ऐसा कुछ है नहीं। ये देखो कुछ इस तरह की इसकी स्टीयरिंग है, ये देखिए भाई स्टीयरिंग बहुत अच्छी है। और इसमें ये ज़रूर इन्होंने अच्छा किया गया जो कि टॉप मॉडल में देता है ऐसे ही कुछ सेम। और ये देखो भाई इसमें इस तरह भी आप यहाँ पर भी बॉटल रख सकते हो, कुछ ऐसे हाइडन फीचर्स है कुछ, देखो पता ही नहीं चलेगा किसी को। ये देखिए इस तरफ इस इवेंट ये लेदर का, ये भी लेदर है। तो भाई इन्होंने डैशबोर्ड में अच्छा दिया गया है, जो कि थोड़ा टॉप मॉडल के से जैसा दिया है इन्होंने, लेदर टाइप है। आपको 4 सामने AC वेंट्स मिलेंगे, ये बहुत अच्छा है। स्पीकर्स है इसमें, टूटर स्पीकर्स। और ये देखिए इसमें 360 कैमरे के लिए भी दिया, बहुत अच्छा है भाई, मैं बोल रहा हूँ ये बेटर है टॉप मॉडल्स अगर बजट के हिसाब से। तो ज़रूरी इन्हों क्या था, सीट कवर कुछ भाई लोकल है ये सीट्स कवर, तो इन्हों ये देखिए बहुत गंदे सीट्स कवर, इसमें क्या डस्ट बहुत जल्दी पकड़ेगा, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी डस्ट पकड़ेगा भाई इसमें। ये देखिए क्योंकि कुछ कंपनी का है नहीं ना, तो सीट्स पे कुछ कवर है, ज़रूर जाने दो, कोई बात नहीं। आपको सेम इस तरफ देखो चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, इस तरफ आप कुछ रख सकते हो, इस तरह का कुछ इसका ग्लव बॉक्स है ये देखिए। और इसमें 6 एयरबैग्स, ये ड्राइविंग का मोड है आप देख सकते हो, PRN ये ऑटोमेटिक है। और AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं आपको, ये देख सकते हो इंजन स्टार्ट का, ये देखिए, ये देखिए ऑन होता है, कर लेंगे भाई बाद में। और आप ये देख सकते हो इसमें कुछ इसकी इस तरह की स्टीयरिंग है एयरबैग्स वाली, इसमें ज़्यादा कंट्रोल्स है नहीं। ये देखिए कंट्रोल्स इसके थोड़े कुछ दिए गए हैं, ये देखिए टॉप मॉडल में आपको पता होगा बहुत कुछ कंट्रोल। और ये देखिए इसका बटन लाइट्स के दिए गए भाई, लाइट्स बहुत अच्छी है इसकी, ठीक है आप देख ही रहे हो अच्छी है वैसे। टॉप मॉडल इसका हैंडरेस्ट आप देख ही सकते हो, ये देखिए इस तरह भाई, इसमें भी आप बहुत कुछ सामान रख सकते हो, बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट 2 दिए गए, ये भी बहुत अच्छा है भाई, ये देखिए फास्ट चार्जिंग का दिया है, ये बहुत मस्त है। एको मोड है इसमें, देखो EV का मोड नहीं है भाई इसमें, जो कि टॉप मॉडल में EV का मोड मिलता है आपको, ठीक है। और चलिए आप सेकेंड रो देखते हैं, ये देखिए भाई, और भाई इसमें क्या है, इसे इलेक्ट्रिक सीट्स मिलेंगे आपको, ये इलेक्ट्रिक नहीं है सॉरी टॉप मॉडल है ना, टॉप मॉडल नहीं है भाई, तो इलेक्ट्रिक नहीं है इसमें। नॉर्मल आपको इस तरफ से कंट्रोल्स करके आप सामने सरका सकते हो सीट्स को, ठीक है। और भाई इसमें जो कि एक चीज़ है आप देखोगे, जो कि भाई बहुत से कई से मॉडल नहीं देते इसमें, देखो इसमें फ्रंट एंड बैक दोनों डिस्क मिलेगा आपको, जो कि बहुत से मॉडल में पता होगा जो कि टॉप मॉडल में देते, जो कि भाई टॉप मॉडल में नहीं है इसमें, बेस वेरिएंट में दिया है, बेस में नहीं भाई मतलब आपको बताओ GX में। तो भाई अभी आ गए हैं सेकेंड रो में, ये रखी चॉकलेट, ये देखो। तो भाई सेकेंड रो आप देख सकते हो, डोर सेम ही होगा, ये देखिए पूरा प्लास्टिक, और सेम जो फ्रंट है सामने ऐसे भी दिया है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। ये फिनिश पूरा मतलब मैट फिनिश दिया गया, इस तरफ आपको सेम स्पीकर है। सेकेंड रो में देखो वो आप AC का ये दिया गया, AC वेंट उस तरफ इस तरफ, मतलब ये AC वेंट कंपलसरी चाहिए भाई सेकेंड रो के लिए, तो कंपलसरी AC चाहिए। और ये हैंडल से कुछ, और इस तरफ से आप AC कंट्रोल कर सकते हो। चार्जिंग पॉइंट दिया गया भाई, कम्फर्ट देखो बहुत अच्छा है इसमें, ये देखिए बहुत अच्छा है भाई सीट्स कम्फर्ट इसमें। और ये रहा भाई, कोई चॉकलेट खाएगा तो खा लेना। और भाई ये देखिए, और कुछ देखो
बहुत अच्छा है भाई। ऊपर इसमें सनरूफ है नहीं, जो कि टॉप मॉडल है नहीं, आपको पता है। वैसे बेटर है यार टॉप मॉडल से, आप देखोगे जो कि टॉप मॉडल में जो कि बहुत कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो इसमें आपको अवेलेबल मिल रहे हैं, ये देखिए। तो चलिए अब मैं आपको इसका थर्ड रोप दिखाता हूँ, क्योंकि यार ज़्यादा वीडियो बना के लंबी फ़ायदा नहीं है ना, तो देखते नहीं। तो ये आप देखो, टॉप मॉडल में लोगे तो सेम आपको लोगो मिलेगा, डोर्स में लाइट्स मिलेगी आपको पता होगा। तो चलिए मैं आपको इसको सामने सरकाता हूँ थोड़ा, एक सेकेंड थर्ड रो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए भाई, इस तरह से इसका कुछ कंट्रोल से ये देखिए कर दिया, और ये आ गए हम थर्ड रो में। तो भाई ये देखिए, ये बहुत अच्छा है, ये देखिए। आप सेकेंड सेम आपको थर्ड रो में भी इस तरफ मिलेगा आपको, ये एसी वेंट दिए गए, डोर हैंडल्स दिए गए, और इस तरफ इन्होंने चार्जिंग पॉइंट दिए गए। भाई ये बहुत अच्छा है इन्होंने मतलब सोचा है। ये देखिए दोनों इनोवा वाले, देखो इस तरफ आप बॉटल होल्ड रख सकते हो, बॉटल रख सकते हो, सेम दोनों साइड बॉटल रख सकते हो, और चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। ये बहुत मस्त है भाई। ये देखिए रूफ भी इसको क्या था, इनो को क्या था, ये वाइट दिया गया जो कि इनको ब्लैक करना चाहिए था, इसके हिसाब से बहुत अच्छा मैच होता था। ये क्या होता है भाई, बहुत दिनों में जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है ये रूफ, तो जल्दी जाने दी कोई बात नहीं। मैं आपको अब इसका थर्ड रूफ दिखाता हूँ, एक सेकेंड इसको ये देखिए भाई, अकेले से नहीं होगा भाई, मैं इसको पीछे सरका देता हूँ। ये देखिए पीछे सरका दिया, ये देखिए इसका आर्म रेस्ट आप देख ही सकते हो, सॉरी कप होल्डर, ये देखिए बहुत अच्छा है भाई, ये देखिए। तो चलिए मैं आपको अब इसका लास्ट बूट स्पेस दिखाता हूँ। ये डोर रह गया भाई ओपन, ये देखिए। तो भाई अब इसका ये देखिए बूट स्पेस, आपको इस तरह बटन मिलेगा जो कि टॉप मॉडल में आप देखोगे तो आपको चाबी में एक बटन मिलेगा, जो कि जैसे आप होल्ड करते हो सपोज तो उससे हो जाएगा बटन। तो भाई ये देखिए इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो थर्ड रो में जैसे बूट स्पेस है, आप यहाँ पे आराम से इसे दो बैग रख सकते हो, एक दो तीन बैग आपको आ जाएंगे, एक इस तरफ आ जाएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। ये देखिए अगर सपोज़ ये फोल्ड सीट्स को आप फोल्ड कर रहे हो ऐसे, ये देखो एक सेकेंड, ये देखिए सीट्स ऐसे फोल्ड हो जाएंगे। अगर कोई नहीं बैठ रहा है जब, तो आप मतलब इसमें आराम से बहुत सामान रख सकते हो। थर्ड रो में नहीं बैठ रहा है तो बहुत सामान आ जाएगा, अगर बैठ रहा है तो आपको यहाँ पे दो बैग से सिवा कुछ आने वाला है नहीं भाई। इसमें हाइड्रोलिक दिया गया है, ये देखिए ये ठीक है मतलब, ये देखिए। और डोर्स कुछ इसका इस तरह का है, ये देखिए बहुत अच्छा है वैसे। ये देखिए आपको यहाँ पे भी लाइट मिलेगा, ये बहुत अच्छा है इन्होंने, ये देखो इन्होंने क्या था, जो कि लाइट ऊपर देते हैं वो इस तरफ दे दिया, बहुत ठीक है। और स्पीकर्स भी इसमें बहुत कुछ है भाई जो कि ठीक है। चलो मैं इसका एक बार इंजन नॉइज सुनाता हूँ आपको, पेट्रोल वेरिएंट का ऑन कर दें, और ये देखिए बंद कर देते हैं। टॉप मॉडल रहता तो भाई आपको पता है इसमें मिल जाता आपको, जो कि एक बार ऑन करना गाड़ी, तो इसको एक बार इंजन नॉइज सुनाता हूँ भाई। शार्क एंड आप देख ही रहे हो, वैसे बहुत अच्छी है। ये जो टॉप मॉडल रहता तो इस तरफ आपको क्रोम की पट्टी मिलती, तो ये वाली नहीं मिलती, जो कि ठीक है वेरियंट। आपको मैं एक बार इसका पेट्रोल नॉइज़ सुनाता हूँ और लाइट्स दिखाता हूँ मैं, इसकी इंजन नॉइज और लाइट्स दिखाते हैं। बोनेट ओपन करते हैं, हटा इसका बोनेट ओपन करते हैं, एक सेकंड मैं आपको इसको वीडियो रोकता हूँ। तो भाई ये देखिए ऑन, इंजन ऑन किया इसका, ये देखिए इस तरह कुछ इसका इंजन है, जो कि इसमें दो तीन मिसिंग है भाई। इनको क्या था, यहाँ पे कुछ कवर देना चाहिए था, उसके क्या साउंड कम आएगा, इंजन नॉइज से तो आएगा नहीं, पेट्रोल का है। इनको यहाँ पे कुछ ऐसा कवर देना चाहिए था, और जो कि इसमें क्या है पता है, एक लाइट ज़रूर देना चाहिए था भाई, लाइट भी इसमें मिसिंग है। इनको क्या है, ये इसकी फीचर्स बहुत कुछ मतलब इनको देखना चाहिए था कुछ। इसकी लाइट्स देखो, ये जो कि लाइट LED है इसकी, ये देखिए आप इस तरह कुछ इसका इंजन है, अच्छा है ये। वहाँ पे ECM लग रहा है, बैटरी इसकी बहुत छोटी है भाई, बैटरी ECM एयर बैग्स, ये देखिए सेल्फ मोटर कूलेंट, ये देखिए ब्रेक बूस्टर, AC का सब कुछ बहुत अच्छा है भाई वैसे। चलो अब इसको बंद कर दें भाई, ये भाई एक सेकेंड अब इसको लगा देते हैं, अब इसको बंद करते हैं हाथ रख, ये देखिए भाई। तो भाई बस इतना ही, ये देखिए बहुत ही अच्छी लुक है,
ये देखिए वो क्या लाइट है भाई इसकी, गजब की, ये देख रहा होगा आपको। तो फ्रेंड्स बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और शेयर कमेंट कीजिए अपने फ्रेंडों को, तो कोई नया देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम।